सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग क्या देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन देखें, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक्चुअली क्या होता है ना, सपोज दिस इज लाइन, दिस इज द रेफरेंस लाइन, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, सपोज दिस इज पी, पी इज द ऑब्जेक्ट, पी इज द ऑब्जेक्ट, तो ये आपका रेफरेंस लाइन है, दैट इज ए बी, तो पी आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको अगर यहां से देखना है, तो अगर नीचे देखेंगे ना, तो हम लोग नीचे जब देखते हैं तो हमारी आई क्या होती है, इस तरीके से होती है, जो नीचे की तरफ देखती है, ठीक है। तो ये जो आपका नीचे की तरफ, इसको हम बोलेंगे लाइन, ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। और यहाँ पे नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, मतलब जो रेफरेंस लाइन है उसके नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, दैट मीन्स ये जो एंगल हो जाएगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो दो चीज मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन में मिला, एक तो सपोज दिस इज अ लाइन, इसको ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, सपोज दिस इज पी, दिस इज बी, ए बी, ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, तो ये आंख है, ठीक है, दिस इज आई एंड ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जर्वर, ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर, ठीक है। तो जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, मेरी आंखें नीचे की तरफ होती है, तो जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन सपोज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका रेफरेंस लाइन है, इसके ऊपर की तरफ आपका एंगल बना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। तो ये चीज है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपका जो एंगल है ऊपर की तरफ बनता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर वो नीचे की तरफ बनता है तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, बोथ आर एक्चुअली सेम थिंग होता है। अगर इसको क्या करें, इसको नीचे उल्टा कर देना, पलट दे, आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। यानी कि एक लाइन मिलता है मुझे यहाँ पे, अगर कंक्लूजन देखें तो एक जेड बनता है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट को देखो, इसमें लाइन ऑफ साइट ये है, तो इसमें ये वाला आपका लाइन ऑफ साइट होगा, ठीक है, ये वाला लाइन जो है, ये लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मतलब जो विजन का लाइन होता है उसे हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। सपोज दिस इज ना आपका एक जेड बन रहा, ठीक है, तो अगर आप क्या करेंगे, ये ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से जब ऊपर देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे अगर एक जेड में बनाए तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन और एक आपका हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। तो ये आपकी दो चीज होती है जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब एक्चुअली इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना, ये आप अगर ये लाइन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, और अगर यहाँ से देखते हैं ना, सपोज दिस इज आई ऑब्जर्वर, तो आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी, यहाँ से ऑब्जर्व कर, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे तो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, और ऑब्जर्वर यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे आई है, तो ये ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है। तो सपोज इसके लिए ऑब्जर्वर यहाँ पे, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पे, इस जगह पे, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। अब सपोज यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, एक्चुअली इसको हम रफ करते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो हम क्या देख रहे हैं, पोल का हाइट यहाँ पे है, सपोज इसको हम ए मानते हैं,
अगर ये डिस्टेंस देखिए और ये जो डिस्टेंस है ना यही इस पर्सन के पोल तक का डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। दैट मीन्स ये हो रहा है कि जो डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक है वही डिस्टेंस इसके पैर से इसके बॉटम तक है। तो मतलब पर्सन से अगर बॉटम का डिस्टेंस पूछा जाता है तो ये भी पूछा जाता है, कभी कभी पोल का हाइट पूछ किया जाता है, इसकी हाइट ये क्या है, हाइट है। एक्चुअली इसका नाम क्यों पड़ा हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, और कोसेक का क्या होता है, एच बाई पी, दोनों में से
पर्पेंडिकुलर क्या है आपका बी के और एच क्या है दैट इज ए के और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो ये आपको वैल्यू तो याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे ये होता है आपका रूट 3/2 ठीक है और यहाँ पे इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं ये रूट 3/2 है बी के क्या होता है आपका बी के ऑलरेडी दिया हुआ दैट इज 71 यहाँ पे लिखेंगे 71/2 ए के ये आपको फाइंड आउट करना है हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ए के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 × 2/3 हो जाएगा अंडर रूट 3 ओके अगर हम यहाँ पे ऐसे प्रोपर कर देते हैं √3/3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 75 × 2 × √3/3 हो जाएगा 3 × 2 = 6 3 × 5 = 15 तो 15 × 2 × 3 दैट इज 15 × 2 = 50 क्या हो जाएगा 50 √3 आपका अगर मीटर में दिया है तो मीटर में दिया हुआ है तो आप उसको भी मीटर में यानी कि जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ कितना आ गया आपका जो पूछा गया था दैट इज 50 √3 मीटर वी विल राइट हियर लेंथ ऑफ देयर फॉर length of string is equal to 50 √3 meter and this is answer आप चाहे तो root 3 को convert कर सकते हैं ठीक है 1.37 इसका value होता है ठीक है ये आ जाती है root 3 का जो value होता है 1.732 होता है ठीक है इस value को आप याद रख सकते हैं root 3 की जगह पर अगर put करते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 × 1.732 हम यहाँ पर ऊपर भी कर देंगे क्या है 50 √3 है ना तो 50 × 1.732 अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पे ये मिल जाएगा लमसम आपका 86 ठीक है 86.6 मीटर ये लमसम आपको इतना मिल जाएगा एंड दिस इज द आंसर ओके टेक अ स्क्रीनशॉट हम देखेंगे कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस का
थीटा इज इक्वल टू पी बाई डी, ठीक है, टैन थीटा क्या हो जाएगा पी बाई डी। तो पी यहाँ पे क्या है ए बी और बी क्या है यहाँ पे बी सी, ठीक है। तो टैन थीटा करेंगे x
सॉल्व करेंगे ना तो मुझे एक्स क्या मिलेगा, दैट इज 12.47। ठीक, तो इतना मीटर आपका क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू आ रहा है और यही आपका आंसर है। ठीक, यही आपका आंसर, यहाँ पे आंसर लिखते हैं हम। तो वी विल राइट पर्सन्स फुट टू टावर डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पर्सन्स फुट टू टावर इज इक्वल टू कितना है, फुट टू टावर बी सी है। ठीक है, बी सी यानी कि एक्स यानी कितना आ जाएगा 12.47, जो कि आपका लमसम कितना हो जाएगा 12.5 मीटर। 12.5 मीटर आपका आंसर है। ओके, पर्सन फुट टू टावर, उसके बीच का डिस्टेंस। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट।